नमस्कार, वेलकम टू एग्जाम मास्टर चैनल। मैं हूं आपका साथी सौरभ पांडे, और कुछ बेहद गंभीर मुद्दे जो सभी अभ्यर्थियों को लगभग कंफ्यूज किए हुए हैं, उन पर मैं बात करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूं। देखिए, कल आपको खबर दी गई थी कि आयोग के लिए जो 12 सदस्यीय कमेटी है वो बना दी गई है, सदस्यों के नाम की लिस्ट आ गई है। टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट के लिए बताया जा रहा है कि अगस्त में आ जाएगी डेट, है ना, अगस्त में डेट आने के लिए जो हर जगह न्यूज चल रही है, लोग अनुमान से बता रहे हैं कि अगस्त में होगा टीजीटी पीजीटी का एग्जाम। इसकी भी पुष्टि करेंगे कि ये खबर कहां से उठ रही है। टेट और सुपर टेट डेट कब आएगी, और टेट और सुपर टेट के नए नियम क्या होंगे, एलटी बीईओ जीआईसी प्रवक्ता आरओ एआरओ, इन सभी वैकेंसीज के बारे में बात करेंगे। आपका पूरा डाउट जो है वो क्लियर करने की कोशिश की जाएगी इस वीडियो में। तो सबसे पहली जो चीज है, ये फोटो आपने देखी होगी, उच्च शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बेसिक विभाग, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि यहां पर जो है ये 12 सदस्यों की कमेटी जो है वो बना दी गई है। कितने? 12 सदस्यों की जो कमेटी है वो बना दी गई है, और इसमें देख लीजिए सदस्य सचिव किसको बनाया गया है, भगवती सिंह को संयुक्त निदेशक, ये माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश एलनगंज, जो आपका माध्यमिक शिक्षा विभाग है वहां के ये रह चुके हैं संयुक्त निदेशक, डॉक्टर भगवती सिंह को बनाया गया है सचिव इस कमेटी का। अब ये कमेटी करेगी क्या, ये कमेटी नए शिक्षा आयोग का ड्राफ्ट तैयार करेगी। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अभी परसों ये सारे लोग लखनऊ गए थे, प्रयागराज से ये सारे लोग लखनऊ गए थे, वहां से मीटिंग होकर के आ गए हैं। और जहां तक है, आज बुधवार, शुक्रवार या शनिवार को ये ड्राफ्ट, कंप्लीट ड्राफ्ट जो कि ये बना चुके हैं, शुक्रवार को या शनिवार को सबमिट कर देंगे। ठीक है, ये ड्राफ्ट आपका शुक्रवार या शनिवार को सबमिट हो जाएगा। कहां सबमिट होगा ध्यान दीजिएगा, अपर मुख्य सचिव सुधीर एम बोबड़े को ये ड्राफ्ट, जो नया ड्राफ्ट बनाएंगे। अब मैं आपको पुराना ड्राफ्ट दिखाता हूं कि आखिर वो पुराना ड्राफ्ट क्या है। ठीक है, सबसे पहले देख लीजिए, ये उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा आयोग और उत्तर प्रदेश शिक्षा आयोग के लिए। इसमें आपको हायर के नियम, यानी जो ड्राफ्ट पहले बना था उसमें मुख्यमंत्री महोदय ने संशोधन करने के लिए कहा था, तो क्या क्या संशोधन होंगे जरा देख लीजिएगा। जो सेवाएं थी, जो नियम थे, जिसके लिए जो है बात की जा रही थी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये निर्देश दिए हैं कि इन नियमों को चेंज किया जाना चाहिए, बदला जाना चाहिए। तो अब क्या नियम बदल जाएंगे मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, बताने के लिए जस्ट अ सेकंड, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा इसमें कुछ प्रॉब्लम है, एक सेकंड रुकिएगा। जो नियम आपको बताने हैं, अरे भाई, ठीक है, देखिए मैं आपको वैसे बता देता हूं कि अब ये 12 सदस्यीय कमेटी, ये जो पुराना वाला ड्राफ्ट आपने देखा था, इसमें कुछ संशोधन करेगी, और उस संशोधन के बाद ये ड्राफ्ट आपका पास हो जाएगा। ये बहुत सिंपल सी बात है, और ड्राफ्ट पास होने के बाद ही नए आयोग का गठन हो जाएगा। सबसे पहले टीजीटी पीजीटी की एग्जाम डेट अनाउंस की जाएगी। इसी आधार पर यह कहा जा रहा है कि मई के लास्ट में अगर आयोग आ जाता है तो जून, जुलाई, अगस्त में ये आपको एग्जाम डेट दे देंगे। यानी टीजीटी पीजीटी 2023 में जो एग्जाम होने की प्रबल संभावना है, ये कब बन रही है, अगस्त में बन रही है। यानी टीजीटी पीजीटी वालों को 2-3 महीने का समय है, अगर देखा जाए मई, जून और जुलाई का। अगस्त में आपका कभी भी पेपर करवाया जा सकता है, एक बात तो ये क्लियर हो गई। दूसरी बात यह है कि क्या टेट में 1/4, देखिए अभी जो टेट का वो है वो केवल एलिजिबिलिटी है, लेकिन नए आयोग, नए नियम के हिसाब से क्या अकेडमी पेरिट हट जाएगी, तो इसके भी चांसेस बन रहे हैं कि हो सकता है सीएम योगी आदित्यनाथ नई कमेटी, नए आयोग के थ्रू 1/4 यूपीटेट का ऐड कर दे, है ना। क्योंकि अगर चेंज करने की बात है तो जो वर्तमान लेवल है उसी में कुछ सुधार संभवतः होंगे। अब ये नई कमेटी, जहां तक 4-5 दिन में क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या नए ड्राफ्ट में गया है। जो नया ड्राफ्ट बन के जाएगा वो ड्राफ्ट आप सबके सामने होगा कि असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती कैसे होगी, टीजीटी पीजीटी कैसे होगी, क्या टीजीटी पीजीटी में जीएस भी पूछेगा, है ना, एलटी ग्रेड भर्ती भी नया शिक्षा आयोग कराएगा, अब लोक सेवा आयोग नहीं कराएगा। आपको मैं बता दूं, एलटी ग्रेड, आरओ एआरओ,
बीईओ और जीआईसी प्रवक्ता, इनके जो फॉर्म है वो एक साथ आएंगे। एक ही महीने में आप देखेंगे कि आरओ आरओ आ गया, बीईओ आ गया, एलटी ग्रेड की वैकेंसी आ गई और जीआईसी प्रवक्ता के भी फॉर्म आएंगे। ये सारे फॉर्म एक साथ आएंगे। थोड़ा सा क्या पेच है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का पेच है, जिसकी वजह से ये दिक्कत है, तो मैंने आपको बता दिया। अब सबसे जो महत्वपूर्ण बदलाव होगा वो ये होगा कि क्या प्राइमरी सुपरटेट भर्ती में 1/4 टेट का जुड़ेगा। यही सबसे महत्वपूर्ण बदलाव है, इसी बदलाव पर सबकी नजर है। साथ ही साथ बीएड वर्सेस बीटीसी का अप्रैल चला गया, मई आ गया, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कब खुलेगा? मैक्सिमम 3 महीना है ना, 3 महीना के अंदर कभी भी ऑर्डर पढ़ा जा सकता है, उसकी डेट कब आएगी? तो छात्रों के जो फैसले की घड़ी है वो कहीं ना कहीं आ गई है। सबसे पहले टीजीटी पीजीटी वाले लोग एग्जाम देने के लिए तैयार हो जाए अगस्त में, यूपी टेट वाले लोग एग्जाम देने के लिए तैयार हो जाए, आपका भी फॉर्म जो है वो जून के महीने में 100% आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। फॉर्म आपके जून के महीने में संभवतः भराए जाएंगे, अगर आपका मई में गठन हो गया आयोग, नहीं तो जुलाई समझिए। अगर जून में गठित हुआ तो जुलाई समझिए, मई लास्ट में गठित हुआ तो आप उसको जून समझिए। तो यह खबर चल रही है, बाकी और चीजों पर आप अभी भरोसा मत करें। अभी ऑफिशियल रूप से सिर्फ और सिर्फ यही चीजें जो आपके सामने हैं, 12 सदस्यों की कमेटी और सारे सदस्य आपके वही के हैं, कुछ पीएनपी के हैं, कुछ माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग के हैं, कुछ उच्च शिक्षा सेवा चयन आयोग के हैं। तो इस तरह से सदस्यों की कमेटी आपके बेहतर भविष्य का निर्माण करेगी। आई होप कि ये वीडियो आपकी जानकारी और आपकी क्यूरियोसिटी को खत्म करने में सहायक रहा है। शुक्रवार शनिवार तक का वेट कर लीजिए, नया ड्राफ्ट भी आपके सामने होगा कि क्या क्या परिवर्तन हुए हैं। टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट के लिए तैयार हो जाइए आप सब, यूपी टेट के लिए तैयार हो जाइए आप सब। ये चीजें हैं जो होनी ही हैं, इनको कोई नहीं रोक सकता। जो लोग पूछ रहे हैं कि सुपर टेट की वैकेंसी कब तक आएगी, तो जी हाँ दोस्तों, 18 मई को विशाल धरना है लखनऊ में, सभी लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में, सभी छात्र वहां पहुंचने की अपील कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि धरना के बाद मैं आपको बता दूं कि नया शिक्षा आयोग सुपरटेट साल के अंत तक नोटिफिकेशन जारी कर सकता है, इसलिए पॉजिटिव उम्मीद बनाए रखें। थैंक यू सो मच, मैं अभी चलता हूं, इसको बनाता हूं कि ये कहां से गड़बड़ है। तब तक अगले वीडियो में आपको सारी अपडेट मिलेगी। थैंक यू सो मच।